प्रदेश की शिवराज सरकार 517 महाविद्यालयों में चिन्हित कर 200 महाविद्यालयों को आधुनिक तकनीक से लैस करने जा रही है और जिन्हें 2 साल के अंदर सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। इसके अलावा मतगणना होने के बाद खाली पदों पर एक बार फिर से मंत्री पद के लिए विधायकों ने अभी से पार्टी में दबाव बनाना शुरू कर दिया है। लिहाजा मामले में मंत्री मोहन यादव ने दावा किया है कि बीजेपी में विवाद की स्थिति नहीं बनती और जो भी विवाद जैसी स्थिति में बनता है उसे पार्टी का नेतृत्व समझ लेता है। और ऐसे में तमाम मुद्दों पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से बातचीत की संवाददाता संदीप मिश्रा ने। जी हमारे साथ हैं सर, अभी आप अपने विभाग के तहत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं, 517 महाविद्यालयों में 200 महाविद्यालयों को आधुनिकता के साथ लेस कर रहे हैं, और उसमें क्या किस तरह की सुविधाएं होंगी, क्या आकर्षण का केंद्र होगा? देखिए हमने प्रयास किया है कि हमारे यहाँ प्रदेश में देश में जिस ढंग का उच्च शिक्षा का माहौल बना वो यहाँ भी बने, तो महाविद्यालय में वो सब भी होना चाहिए जिसके कारण से महाविद्यालय की आवश्यकता होती है, अर्थात लेबोरेटरी होना चाहिए, लाइब्रेरी वाचनालय होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, अच्छे कक्ष होना चाहिए, ओपन स्पेस होना चाहिए, अच्छी फैकल्टी होना चाहिए, अच्छे कोर्स होना चाहिए, तो ये सब चीज़ों को लेकर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता, और मैंने इसमें प्रयास किया है। लगभग हमारे विभाग के साथ बैठ करके 200 महाविद्यालय का हमने सिलेक्शन कर रहे हैं जिसमें ये सारी चीज़ें हम देने जाएंगे, और उन्हीं के माध्यम से हमारे जो गुणवत्तापूर्ण महाविद्यालय रहेंगे जिसके माध्यम से हम देश की बाकी महाविद्यालयों से उनकी टक्कर ले सकें। शिक्षा से अगर हट के हम बात करें पॉलिटिक्स की, तो जिस तरह से भी बहुत सारे लोग जीत के आए, बहुत से लोग पहले मंत्रियों के दावेदारी में थे, अब एक बार फिर वो कहीं ना कहीं फिर सक्रिय हो रहे हैं, आपकी पार्टी हाईकमान में लगातार दस्तक दे रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि किस तरह से पार्टी सामंजस्य बैठाएगी? बहुत आराम से, मैंने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत अनुभव है, वो 4 बार के मुख्यमंत्री हैं और ये सारे हालातों से निपटना उनको आता है। हमने देखा कोरोना जैसे कठिन काल में भी वो निपटे थे, बाद में ये जो कांग्रेस की परिस्थिति बनी और कांग्रेस अपने कर्मों से सरकार गिराई तो हमने सरकार भी बनाई और सरकार को दमदारी से चलाया भी सही और सरकार को अब वर्तमान स्थिति में स्थायित्व भी दिया है, तो ये अब बहुत छोटी समस्या है और हमारे सारे लोग समझदार हैं, पार्टी में और संगठन में इस बात की समझ है कि हमको हमारे निर्णय कैसे लेना चाहिए, किसको क्या जवाबदारी देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, ये बहुत अच्छे से सहजता से हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्योंकि संगठन पे भी अभी आपकी कार्यकारिणी जारी नहीं हुई है, सिर्फ 5 महामंत्रियों की सूची जारी हुई, तो जो नाराज होते हैं तो क्या लगता है कि उधर फिर एडजस्ट किया जाएगा? देखो ये तो नाराज होने के कारण से नहीं देते हैं, भाजपा का तो अपना इतिहास रहा है दिल्ली के अंदर में भी कि प्रमोद महाजन जी जब जीवित थे तब भी, और बड़े बड़े नाम राजनाथ सिंह जी से लेकर तारे सारे लोगों को कि सरकार में होने के बाद भी जब संगठन ने बुलाया था मंत्री पद छोड़ के जाते हैं, तो हमारे यहाँ मंत्री पद में नहीं मिलने से सरकार में एडजस्ट करेंगे ऐसा नहीं, संगठन हमारा सर्वोपरि है, सरकार सेकेंडरी है, तो जहाँ हमको किसी भी कार्यकर्ता की आवश्यकता लगती है हमारा कार्यकर्ता सहजता के साथ, आज मेरे से कोई कहे कि मैं संगठन में बुलाएंगे तो मैं संगठन में जाने को तैयार हूँ, कल कोई मंत्री पद के साथ में काम कर रहे हैं तो कल कर ही रहे, तो इसीलिए यहाँ हमारे यहाँ इस बात का बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है और हम मन मस्तिष्क तैयार रहते हैं कि कोई भी काम मिले बहुत अच्छे से करें। कल पूर्व सीएम कमलनाथ जी के निवास पर विधायकों की बैठक हुई थी, बहुत सारे फैसले लिए गए, उसमें यह भी आरोप लगाया गया कि यहाँ पर सरकार ने पैसे के बल पर कहीं ना कहीं ये चुनाव जीता है, क्या मानते हैं? देखिए कांग्रेस बहुत हताशा निराशा के दौर में जा रही है, कांग्रेस जड़ में नहीं जा रही कि कांग्रेस का संगठन मरा पड़ा है, कांग्रेस में लोग लगातार भाग रहे हैं, कांग्रेस छोड़ रहे हैं, नया नेतृत्व तो खड़ा नहीं कर रहे हैं, मेरी तो कांग्रेस से सहानुभूति है, कांग्रेस अपने अंतर्मन में जाके वो सारी समस्या का समाधान ढूंढ करके पहले संगठन मजबूत करे फिर जनता में जाए। अगर आपने आपकी गाड़ी पंचर है और आप सोच रहे कि मैं सब अपना मार्ग तय कर लूँगी सरपट दौड़ लेंगे तो संभव नहीं, पहले अपने वाहन साधन सही कर ले फिर बाकी आगे विचार करें। क्या मानते हैं कि नेतृत्व बदलना चाहिए कांग्रेस का? मैंने कहा ये कांग्रेस का अंदर का माहौल है, लेकिन कांग्रेस अब ना तो दिल्ली में निर्णय कर पा रही ना प्रदेश में निर्णय कर पा रही, अब कांग्रेस से हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि विपक्षी भूमिका अच्छे से निभाए लेकिन वो निभा नहीं पा रहे। धन्यवाद। आपने देखा कि इनका साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी खुद अंतर्द्वंद से गुजर रही है और उसको खुद पहले अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। बड़ी जर्नलिस्ट नागेंद्र के साथ संदीप मिश्रा, ND24 भोपाल।